देखिए फाउंडेशन फाउंडेशन नहीं लगाई है मैंने, लगाई है तुमने कसम से। फाउंडेशन के बिना तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी कैसे है? स्किन केयर, स्किन केयर। बैक कैमरा करना होता है जब एंटर करते हैं ना कहीं जगह पे, बैक कैमरा। तो अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में शॉपिंग करना चाहते हैं तो मैं आज आपको बताऊंगी ब्रांड्स के नाम, और जिस एग्जीबिशन में मैं गई उनके पास कितनी अमेजिंग कलेक्शन है आप सबको भी दिखाऊंगी, तो लास्ट तक व्लॉग जरूर देखना। हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख पा रहे होंगे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलना। अगर रैंडमली भी आ चुकी है तभी भी सब्सक्राइब जरूर करके ही जाना, पहले सब्सक्राइब करना फिर ये पूरा का पूरा व्लॉग देखना। और बहुत ही जल्दी हम लोग 3K फैमिली होने वाले, जैसे आपको काफी टाइम से बोल रही हूँ, काफी भी नहीं कुछ एक दो ब्लॉग से बोल रही हूँ, 200 सब्सक्राइबर्स आर पेंडिंग फॉर 3K फैमिली एंड आई एम वेरी वेरी मच एक्साइटेड, पूरे जोश में ब्लॉग बना रही हूँ। तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ आई होप आज का दिन मेरा बहुत अच्छे से स्पेंड हो जाएगा। हालांकि अभी 3 बज रहे हैं क्योंकि आई हैव डिसाइडेड टू गो एट 4:30, सो लेट जस्ट सी वॉट विल हैपन। पूरा दिन बहुत एक्साइटिंग रहने वाला है जो कि मैं आपको पहले बता रही हूँ। इफ़ यू आर गर्ल वॉचिंग दिस व्लॉग आपको ज़्यादा मजा आने वाला है, बाकी बॉयज के लिए भी कुछ स्पेशल है, वो क्या है वो आपको पूरे व्लॉग के टाइम पे समझ में आ जाएगा। मैंने ये डेनिम जैकेट पहनी है वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मौसम चेंज हो चुका है, ठंड बहुत ज़्यादा होगी, एकदम से ना बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। अभी तो फिलहाल मैं जम्मू में हूँ, कश्मीर में तो ठंड है ही है, बर्फ पड़ गई है वहाँ पे, पहाड़ी एरिया जितने भी रहते हैं हमारे, गुलमर्ग है, पहलगाम है, इन साइड में बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ चुका है। श्रीनगर सिटी में भी बर्फ़ नहीं पड़ी है लेकिन वहाँ पे भी ठंड बहुत होगी है क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड्स के व्लॉग देखती हूँ। उसी के साथ अगर मैं जम्मू की बात करूँ, यहाँ पर भी बहुत जोर से 2-3 दिन से बारिश हो रही थी एंड फाइनली आज धूप निकली तभी मेरे फेस पे सनलाइट आ रही है, बहुत ठंड लग रही है इसलिए मैंने सोचा मैं ये पहन लेती हूँ। इसके साथ में आई विल कैरी अ शॉल सो दैट जब मैं वापस आऊंगी शाम के वक्त ठंड ना लगे। और पापा को मैंने बोला ड्रॉप करने के लिए बट ही इज नॉट फीलिंग वेल क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, तो वो रेस्ट पे है, इसीलिए आज मैं स्कूटी पे जाऊंगी, अपनी स्कूटी राइड करेंगे, आज हम मजे करेंगे। स्कूटी चलाते टाइम तो मैं ब्लॉग नहीं कर पाऊंगी, आई एम सो सॉरी, नो व्लॉगिंग वाइल स्कूटी, या तो मेरे पास हो ना पूरे गियर्स हो, वैसे इक्विपमेंट्स हो, टूल्स हो, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। थिंकिंग टू वियर दीज टॉप्स, आप बताओ कैसे है? जल्दी से यह इयर रिंग्स पहन लेते हैं फिर निकलते हैं सो दैट लेट ना हो जाए, क्योंकि यहीं से मुझे कैरी करना है अपनी एक चुड़ैल को। आई एम जस्ट किडिंग, मतलब शी इज मोंजुलिका, उसको मैं हमेशा मोंजुलिका बोलती हूँ, वही शूट में उसका नाम पड़ा था मोंजुलिका, थोड़ा लुक भी वैसा था डार्क सा, दैट्स व्हाई पता चल गया मैं मोंजुलिका बोल रही तो वो कौन होगी तो गेस कर लूँ। बाकी उससे मिलते हैं एंड आपको भी उनसे मिलाते हैं मोंजुलिका से। तो स्कूटी मैंने पार्क कर दी है वहाँ पे और मैंने जो पिक करना था यशस्वनी को उसको भी कर लिया और वो मेरे साथ में है। मोंजुलिका अभी नया नाम दूंगी। हाँ, क्या नाम दोगे इस प्यार को, क्या नाम? तुम मैं ज्यादा गोरी क्यों लग रही हूँ? फाउंडेशन तुमने क्या लगाई है, जरा इधर आना पास गाइस। मैंने कुछ नहीं लगाया। फाउंडेशन का क्या मतलब होता है? तुमने भी तो लगाई, इधर आओ जरा। फाउंडेशन नहीं लगाई है मैंने, ज्यादा आई है तुमने, कसम से नहीं लगाई फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट लगाया फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट लगाया मुझे तो लग रहा है इसने लगाया है फाउंडेशन। फाउंडेशन के बिना तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी कैसे है? स्किन केयर। अच्छा हाँ, की स्किन केयर करती है। अभी हम लिफ्ट में हैं, हमें कहाँ जाना है? क्या कर रही है यार लड़की ने, क्या कर दिया ये? फर्स्ट फ्लोर में जाना है, फर्स्ट में आए हैं ना, फर्स्ट में जाना है, लॉबी में जाना, लॉबी है यहाँ पे, लॉबी में नहीं जाना है, लॉबी में ही जाना है, एग्जीबिशन लॉबी में ही लगती है हर बारी। अब देखते हैं, जाके देख लेंगे, देखते हैं, हमें एग्जीबिशन में जाना है ना। नहीं यार इतना भी नहीं लग रहा, वैसे लाइट के साथ हो जाएगा थोड़ा मैनेज, तो अभी हमें जाना है एग्जीबिशन। ये लो तू पकड़, चिट्टी लग रही हो, मैं ऐसे लग रही जैसे कि वो हो गई है, क्या कहते हैं, बीमार हूँ मैं जैसे। नहीं तो एयर होस्टेस लगता है सच में यार, ये देखा मैंने बोला था लॉबी में जाना, लॉबी में जाना होगा, बांधो ना। हाँ तो हमें जाना था आज एग्जीबिशन में क्योंकि वहाँ से इनवाइट आया है और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं यहाँ पे जो आपको एक साथ देखने को मिलेंगे, सो इट्स लाइक अ वन स्टॉप एग्जीबिशन फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि तुम्हें आदत नहीं है ना व्लॉग करने की, इस बार तुम सीखोगी। हाँ वो भी है ना, तो ये इसका फर्स्ट व्लॉग है, आज यही व्लॉग करेंगे, ठीक है, तुम्हारी ड्यूटी है।
मैं सबसे बात करूंगी, तुम ब्लॉग करते रहो। हाँ यही है, चलें लेट्स गो। बैक कैमरा करना होता है जब एंटर करते हैं ना कहीं जगह, बैक कैमरा। Guys, OOTD of Yashaswini washroom mein. So it's her OOTD, nice outfit. So अब मैं अपना OOTD दिखाती हूँ आप सभी को. गाइस वीडियो का कर चुरा हो गए, लोग आ गए, कर नहीं पाए कुछ, अंदर चलते एग्जीबिशन में, चलो। तो जिस काम के लिए हम आ गए थे तो मैं उसके बारे में पहले आपको बता देती हूँ। ये है एग्जीबिशन जहाँ पे हम आ चुके हैं, ये है जोन बाय द पार्क में, और दो दिन की एग्जीबिशन है 19 एंड 20 की। आई थिंक ये व्लॉग मेरा 20th को ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अगर एडिट नहीं हो पाया टाइम पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो ये रही यशस्वनी, और इसी के साथ मैं ये रही मैं व्लॉग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि फेस्टिव सीज़न आने वाला है, करवा चौथ है, दिवाली है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे अच्छी कलेक्शन मिल जाएगी सूट्स की, साड़ीज़ की। फ़िलहाल तो मुझे यहाँ सूट दिख रहे हैं जो कि बहुत प्यारे हैं, और इनका जो रेंज है वो है अराउंड 1500, 2000, 3000 एंड ऐसे। अच्छे अच्छे अगर और सूट चाहिए या हैवी में चाहिए तो जो इसका रेंज है वो और बढ़ जाता है फिर। और ये जो सारे सूट्स है ये है लवली दुपट्टा, और इनका जो हैंडल कर रहे हैं ओनर, उनका नाम है पलक एंड महक। बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत ही जेन्युइन इंटरेस्टेड लोग हैं। आप यहाँ आके परचेज़ कर सकते हैं, और इनकी अपनी एक शॉप भी है, इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो जो ये वाला दुपट्टा है और इसका जो सूट है आप देख रही है, पाकिस्तानी सूट है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, और इसका जो रेंज है वो है अराउंड 5000 रुपीज़। बाकी ये डिस्काउंट भी कर सकते हैं अगर आप पूछेंगे इनको तो। तो आज फिर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारे भाई की बहुत सी भाभियाँ हैं, एक ही दिख रही है, एक ही है भाभी, और जो वीडियो बना रही है वो भी एक भाभी है, तुम सब भाभी नहीं। और मेरी भी भाभी है, ये नहीं सोच रहा तुम्हारे साथ, तुम मेरी भी है, ये सही। तो आज करवा चौथ का ये लेने के लिए आया सामान, तो आज देखते हैं कि क्या स्पेशल चीजें यहाँ पे मिलेंगी। थैंक यू। अभी गिफ्ट दिया इसमें क्या, मैं घर पे देखूंगी इसमें क्या है। मेरे जो पहले वाले क्या थे उससे करा दिया मैंने। तो गाइज ये है सरिता टंडन का ज्वेल्स का पूरा ही सेटअप, और इन्होंने भी हमें बुलाया था स्पेशली, और बहुत ही ज़्यादा प्यारे इनके पास कलेक्शन है, ज्वेलरी पीसीज, इयर रिंग्स हो गए, मैंने भी दो तीन ऑलरेडी परचेज़ किए हुए हैं इनसे, और जो इनके रेंजेस है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू वांट समथिंग फॉर 200-300 वो आराम से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी कलेक्शन है। इसके बाद मैं मिली नजराना के जो ओनर है उनसे, और ये उनका सेटअप है बहुत ही ज़्यादा प्यारा था इनका भी, अगर आप आएंगे यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। ब्लॉगिंग तुम्हें करनी थी शायद से, अरे यार मैं क्यों कर रही हूँ, चल ही रहा है पीछे। मैं आपको कहना चाहता हूँ अभी हम हैं जोन बाय द पार्क में, तो अभी हम हैं पूनम कूल के साथ, और आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे एग्जीबिशन हो रही है, तो वो चिट्टा बूट देख ही नहीं रही है, तो वो बहुत स्टाइल मार रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेशक वो अपने चैनल में डाल रही है, हमें कोई लेना देना नहीं है,
हम अपनी मस्ती में इंजॉय कर रहे हैं, हमें प्रमोशन वैसे ही मिल रही है। जोमैटो से ऑर्डर कर रहे हैं। और एक चीज मेरे को यहाँ की बड़ी खराब लगी है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यशस्वनी को ना अभी एक गिफ्ट मिला है जो मेरे बैग में, मुझे देखना है उसमें क्या है। वो है कान का कुछ, कान का कुछ है, लेकिन क्या गिफ्ट है वो मुझे देखना है। ये देखो भगवान, ये ज्यादा एक्साइटेड है लड़कियों से भी। क्या है इसमें, ये क्या है, इधर दिखा ना। यार ये उनका कार्ड है भैया, कार्ड है, इधर कर दो भैया। व्हाट इज दिस भैया? अच्छा, ओ माय गॉड, ट्रू लव, ओ माय गॉड, दीस आर माइंस फॉरएवर। यार ये तो अच्छे है, इसको होप्स बोलते हैं ना। और मैं उसको क्या बोलते हैं, तो ये दो मिले इसको, उसने वो भी नहीं दिया जिस उसने होते हैं नहीं, पर अच्छा। ओ सॉरी, इट्स योर्स, नो टेक इट, जिस तरीके से तुमने गिराया अच्छा है। बाकी मैं अपना आपको घर पे दिखाऊंगी गाइस। तो मैं घर पे आ चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा दिखा रही हूँ कि ये जो गिफ्ट है मेरे पास, पहले तो ये है लवली दुपट्टा, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिया उन्होंने मुझे ये सूट पीस, और मैं बहुत ही जल्दी इसको सिलवाऊंगी और मैं पहनूंगी भी बहुत बहुत जल्दी। और इसी के साथ मुझे ये इयररिंग मिले थे, ये मैं चेंज करवाऊंगी क्योंकि ऐसे वाले थोड़े सर्कल में मैं नहीं पहनती हूँ, और मेरे नेल्स को प्लीज़ फोकस में मत लाना। सो गाइस, अभी मैं वापस आ चुकी हूँ घर पे और बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा। और एक इयररिंग भी गिफ्ट हुआ था, वो तो शायद आपने देख ही लिया। सो हाँ, आज का जो दिन था बहुत अच्छा स्पेंड हो गया, बहुत ज़्यादा लोगों से मिली, मुलाकात हुई, बातें हुई, और कुछ गिफ्ट भी मिले जो आपने देखे। बाकी इफ़ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू बाय थिंग्स फॉर करवा चौथ एंड दिस फेस्टिव सीजन, अभी भी एक और दिन है एग्जीबिशन को, आप जा सकते हो, परचेज कर सकते हो, एंड हैप्पी शॉपिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा ये व्लॉग देखने में। सो अभी मैं रेस्ट करूँगी, खाना पीना खाऊँगी, एंड देन आई विल स्लीप। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए टूडल्स, गुड नाइट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।